स्ट्राइक पर अगर भाना है तो हाथ उठाए। ओके भाना पहुंच निकलो भाई, स्ट्राइक पर होंगे भाना, दौड़ स्ट्राइक पर होंगे पीपी। हम भी तो लोग बात करते हैं, चाय ले आए ना, सारा पंच का खिलाने चाय तू यार बात कर, इस तरह से यहां लाइक पहले तो हाथ उठाए। ओके बहुत ही बड़ा मैच, बड़ा मैच है, 132 रन का टारगेट बना है यहाँ पर, 32 बनाए ना, 133 बनाने होंगे भाई जीतने के लिए, बनाने होंगे 133 रन। लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है सरसावे के, अगर एतबार से देखा जाए उनकी टीम के मनोबल, उसके टीम के खिलाड़ियों के हिसाब से देखा जाए, बट बगलौर कम नहीं है। एक बहुत ही बड़ी पंचायत, क्या कहा जाए, ये नगर पंचायत है जो एक सरसावे के सामने आज आई है। 200-250 प्लस हो जाएगा, बोलर चेंज हो चुका है। रणनीति अपनाई हमारी गोपी सड़वादी, इसका पेनल्टी बगलौर पर जाएगी। चलिए 5,951 रुपए, पहले दूसरा बॉलर देखा फिर दूसरा। मंगलोर सरसावे का मैच है, मंगलोर ने टारगेट दिया 133 रन का। भाई बोलर नेम अपने आप बता दे जो चेंज हुए कि आगे है क्या, चलिए बॉलिंग पर आए हैं त्यागी और सामने है भाना और नॉन स्ट्राइक पर है सिम्मी। मैच में काफी मजा आने वाला है, दर्शकों अपना स्थान ग्रहण करें और जो आपके यहाँ दो सभी घरे बुला लीजिए उनको, मैच नहीं खेलना था उसने मोहम्मदपुर के खिलाफ और मोहम्मदपुर को बाई दे दी गई, जीवित टक्कर का मैच दिया है। ये का इंतजाम किया है किसी ने अपने ही खर्चे पर, अपनी गाड़ी के अंदर बजा रखे है सालियर डब्बे। बराबर की दोनों टीम, अब बड़ा मैच है इस टूर्नामेंट का और ये जोन सी भी टीम यहाँ से जीतेगी और फाइनल की प्रबल दावेदार होगी। तैयार और गोलों को चुन्ना लगाते हुए वहां पर भाना और हमारे अंपायर शाहनवीर, दोनों पैरों के ऊपर काफी जिम्मेदारी। थर्ड राउंड, आज थर्ड राउंड के मैच है, कल से फोर्थ राउंड है। आज रात को डिसाइड हो जाए टंडे का मैच कब है, हो सकता है पॉसिबल है कल हो जाए। तैयार है त्यागी और पहली बॉल इनिंग की, इसके बाद रामपुर का मैच है। त्यागी ने फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। भाना ने काफी बेहतरीन तरीके से इस शॉट को निकाला, काफी बेहतरीन बॉल थी ये त्यागी की, मिडिल पर बिल्कुल सटीक टप्पा रखा हुआ था, भाने के हाथ खुलने का मौका नहीं दिया और भाने ने इस बॉल पर हाथ खोलने भी नहीं चाहे। पहली गेंद को मात्र सम्मान दिया, बेहतरीन शॉट भाई, फोर रन, बहुत ही अच्छी गेंद थी। पहली ही बॉल को सिम्मी ने खेल दिया 4 रनों के लिए। अब वहां पर फील्डर को सजाया गया है सामने की तरफ, बॉलर के बिल्कुल पीछे, काफी बेहतरीन। 5 तारीख को फाइनल है भाई, पहली आवर काफी बेहतरीन होता है, इम्पोर्टेंट होता है टीम के दृष्टिकोण से। और ये ऊपर से 4 रन कमेंट्री की तरफ, 4 रन, दूसरा चौका आता हुआ, समझबूझ के साथ खेलते हुए। रामपुर के बाद करौंदी और सालेर का मैच है और पहला ओवर पर गति पर काफी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं वैसे त्यागी, पर आज टीम काफी बड़ी है। काफी बेहतरीन यहां पर बॉलिंग करते हैं त्यागी,
अपने ही बॉलिंग मौका था बॉलर के पास, चार रन बचाए यहाँ पर अपनी टीम के लिए। अभी देखिए शॉट था, त्यागी ने हाथ आगे किया। मोहितपुर के साथ है रामपुर का मैच। फोर रन, चार रन, क्या बेहतरीन शॉट, जिसको कहा जाए लाजवाब शॉट। कोई जल्दबाजी नहीं, बोर को उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, समझा। फील्डिंग पर थोड़ा सा अभी पाएबंदी है, अभी फील्डिंग पहली हुई नहीं है, उसके हिसाब से खेलते हुए यहाँ पर सिप्पी। और सत्य भाई का बच्चा अपने पापा को ढूंढता हुआ, पूरे ग्राउंड के तीन चक्कर लगा चुका, पर पापा बीच में खुट्टा गाटो खड़े हैं। छूट गया, चार रन, और चार रन, ये बड़ा कैच, जरा सी लगभग मतलब खुर्शीद की टीम का मैच है भाई। उसने अपने पिछले मैच में तो खिलाया था ना, टोला था ना माठा था, इसमें सारे खिला होगा तो पता कुछ इसका, हम कह सकते कौन खेलेगा खिलाएगा। थोड़ा टिक कर खेले, रुक कर खेले, टीम यही चाहती है सिम भी थोड़ा लंबा जाए। टीम एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, काफी बेहतरीन ये जोड़ी है, इम्पोर्टेंट जोड़ी है, यहाँ पर यही चाहेगा। सबके लिए यही है सर, यही तो चाहता है यहाँ पर सरसावा, और सरसावे का ग्राउंड, उसके दर्शक यही चाहते होंगे कि सिप्पी लंबा खेले, आराम से खेले। जीती हुई टीम कोहली का बात संभालेंगे सुहेल, पावर प्ले का दूसरा ओवर, खेलना चाहते थे, काफी बेहतरीन खेल डाली यहाँ पर सुहेल ने, बना किया रन लेने से, और अच्छा किया, काफी बेहतरीन बोल, थोड़े कदमे छोटे जरूर है, बोल काफी बेहतरीन डालते हैं, सरसावा खेल का वेरिएशन चेंज करते हैं, कभी आगे डालते हैं, कभी पीछे डालते हैं, बल्लेबाज को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। और यहाँ पर चलाएगा, व्यक्ति आएगा, और ये मौका है फील्डर नीचे, और क्या छूट गया, और ये कैच नहीं भाई, मंगलवार ने मैच छोड़ दिया। दबाओ जो दर्शक ये नहीं जानते, दबाव क्या होता है, माना जो के पिछले दो ओवर में मैन ऑफ दो मैचों में मैन ऑफ द मैच रह गए यहाँ पे, और कैच था एक आसान सा तबका डाला। ये कैच महंगा पड़ सकता है, ये मैच होने से जो टूर्नामेंट होने लगे बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं, लंबा वाला छक्का, काफी बेहतरीन छक्का भाने के बल्ले से निकलता हुआ। भाने को यहाँ पर बहुत ही समझ और सूझ से खेलना होगा, जानते हैं बड़ा मैच है, जिम्मेदारियां बड़ी है, और मंगलोरी खेगा थोड़ा चिंतन में होगा यहाँ पर। तालीम काफी बेहतरीन खेले थे मंगलौर की तरफ से, 49 रन बनाए,
मात्र एक रन से चूक गए तालिब अपने अर्धशतक से। गेंद अपील जरूर की, बहुत अच्छी बनाने वाली अपील थी, सब जानता था आउट नहीं है कीपर भी, लेकिन अपील बनती है लगी नहीं। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद सरसावे का स्कोर 25 रन। दो ओवर की समाप्ति पर 25 रन सरसावे के, सरसावे के 25 रन रेड और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग आसपास है। लेकर मंगलौर की तरफ से और आज काफी फॉर्म में होगा मंगलौर। यहाँ पर मंगलौर तैयारी है, बिरयानी की तैयारी करे बैठा है, कह रहे हैं कि हमारे 11 के 11 आदमियों की दावत है किसी शादी में, इसका मतलब आज ये 18 का खाने वाले हैं। अरे नहीं नहीं यार, कमर पे दबाव बनाते हुए यहाँ पर मंगलौर की टीम पर जानते हैं। कलिया परसों से है भाई। काफी बेहतरीन बोली यहाँ पर, शेयर अप करते हैं, काफी बेहतरीन होता हुआ। मंगलौर यहाँ पर उल्लास में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर का भाई, कल हो सकता है, अभी लिस्ट तैयार नहीं है। आज रात को जो लिस्ट तैयार होगी ना उसमें क्लियर का मैच दे दिया जाएगा। जानते हैं आठ टीम को उनकी जरूरत है, गंदा शॉट बिल्कुल नहीं खेलना चाहते और यही चाहिए उनको। काफी बेहतरीन लाजवाब बॉलिंग कहा जाए इस ओवर में। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर सरसावा 31 रन सरसावा। तीन ओवर की समाप्ति, तीन ओवर रहा, मात्र 6 रन आए इस ओवर में, 31 रन। आज नहीं है भाई क्लियर का, भाई पेज पे डाल रखे मैच आज रात को डाली आगे मैच जो चौथे राउंड के जो मैच है ना आज रात वो सारे डाल दिया। समझ में नहीं आता क्योंकि उनको एक्स्ट्रा में रखा जाता है बार्ली गुंजर की तरफ से, जब फील्डिंग कराने का नंबर आता है तो उनको भेज दिया जाता है। आज रोले के लिए तैयार रहते हैं, रोड़ा इनका दूसरा नाम है, रोड़ा 31 इनका दूसरा नाम है रोड़ा। और जब फील्डिंग कराने का नंबर आता है तो इनको कीपर के पीछे रखा जाता है ताकि भाग ना जाके वो भेजा फरमैन की दिशा में। कभी काफी बेइज्जती करता है इनका पार्ली गुज्जर, लेकिन इनको अपने गांव से प्यार है इसलिए उनके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि गांव वाले जानते हैं जहां रोड़ा हो वहां तजकीर बात के कर दो, और माधोपुर में अगर कोई जान बचा सकता है वो तजकीर है। वही नंबर में ग्रुप में जो टीम के कैप्टन है उनके सबके नंबर है ग्रुप में। बोलर टीम
वो थोड़ी देर में लिस्ट आ जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी, बता देंगे कि किसका मैच है, अगले मैच तक पता लग जाएगा। हसन है क्या? हाँ भाई, तीसरे राउंड का मैच है। चल खाली हैंड बता के चलेंगे भाई को, हैंड बता के चलेंगे। का भार संभाला है खालिद, चौथा ये ओवर। काफी बेहतरीन ये गेंद, कितनी तारीफ की जाए वो कम, दोनों टीमें बराबर की है, कमेटी को इसकी दाद देनी होगी। डंडा भी बाहर नहीं है, कल हो जाएगा शायद इनका मैच, बछड़ी तो बाहर हो गई, बछड़ी सुनहरे से आ रही थी, परसों बाहर हो गई। कितना बेहतरीन प्यार करते हैं दर्शक भी, थॉट भेज रहे हमारे कॉमेडियन सालिम कि कह दीजिए उनको यहाँ पर एक बात मेरी तरफ से डायलॉग। एक बार फिर खालिद की ये गेंद, डाल दें भाई जैसे लिस्ट तैयार होगी सारे ग्रुप में। अच्छी गेंद, बहुत कम लेंथ की गेंद, काफी बेहतरीन बॉलिंग करता हुआ यहाँ से बंगलोर वापसी की दो ओवर के बाद। बड़ा विकेट सर सावेगा, पिछले दो मैचों का मैन ऑफ द मैच प्लेयर भाना। याद दिला दो दर्शकों को, दो खिलाड़ी इनके आज मौजूद नहीं है, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं मंगलोर के फील्डर, जानते हैं उन्होंने बड़ा विकेट हासिल किया है भाना का। बल्लेबाज देव, आकिब, आकिब बल्लेबाज है। आप आकिब सरकारे को बहुत ही जिम्मेदाराना खेलना होगा यहाँ पर आज। बंगलौर काफी बड़ी टीम है, सरसावा भी बड़ी टीम है, बराबर की दोनों टीम है। आज काफी बढ़िया किया कमेटी ने ये मैच रखा, दोनों बराबर का आंका, 50-50 का दोनों पर पीरियड था। चलिए तैयार हो जाइए, बढ़िया फील्डिंग, तीन रन बचाए टीम के लिए, तीन रन बचाए टीम के लिए। मंगलोर का ही चल रहा भाई, बात तो है ही नहीं यार, बड़ा अच्छा कर रखा है, अपने कुर्ते को अपने पाजामे के अंदर डाल रखा है ताकि कुर्ते में उलट कर कहीं चौका ना हो जाए, और यही होता है एक अच्छे फील्डर की पहचान। काफी बेहतरीन यहाँ पर मंगलोर का ही चल रहा भाई, सरसावेगा मंगलोर का मौका बढ़ेगी, सिम्मी के बल्ले से हाथ पर बोल जरूर। मंगलोर का मैच चल रहा भाई, मंगलोर ने 133 रन बनाए, सरसावा खेल रहा है। काफी बेहतरीन का, कितनी लाजवाब ये बोल थी, पर उसको बढ़िया पहुंचाया, वहां पर इंतजाम कर दिया। चार ओवर की समाप्ति के बाद सरसावे का स्कोर 40 रन चार ओवर की समाप्ति पर, और बहुत ही बड़ा विकेट भाने का गिर चुका है, जो यहां पर दो मैच पिछले दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच उन्हीं के नाम गया है भाना।
40 रन 40 40 लाठड़ देवा बाहर होगा भाई। रामपुर की टीम है थ्री व्हीलर में एक बार फिर तैयार। और मौका है देख रहा है आउट एक और झटका दो विकेट हो गए भाई। और यहाँ पर मैं कूट पर जाता हुआ सरसा पांच ओवर चल रहा भाई सावे के। पर अभी तक अच्छी बात यह है सरसावे के लिए कि सिम्मी है अभी उनके पास, लेकिन अच्छी बात बुरी बात यह उनके लिए आज बना रही है। कोना यहाँ पर काफी बेहतरीन खेला दोनों मैचों में, आज गुड्डू रही है क्या भाग थी गुड्डू की बॉलिंग की, याद करता है यह क्राउड गुड्डू की बॉलिंग को पिछले मैच में क्या बोले रही, 12 की 12 आग के गोले डाले थे गुड्डू ने। रामपुर को हराया था पिछला मैच सरसावे ने, खेला वहां पर मिलेगा इस मैच के बाद भाई मीतपुर का मैच। बल्लेबाज अगर खड़ोश है तो हाथ उठाए। ओके भाई दर्शकों को पता चला मंगलौर और सरसावा उपरा तली हो रहा है तो ये भी घर से फटाफट रोटी उपरा तली खाए और आ गए ग्राउंड में। यही तो होता है भूख रात को लगेगी फिर दोबारा जाकर मांगेंगे, पर वहां रोटी की जगह कहीं लट ना मिल जाए। बेहतरीन ये गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल भाई, ये मोबाइल डाले कार्ड में से कंफ्यूज हो गए थे कुछ सेकंडों के लिए। इस मैच के बाद है भाई रामपुर वाइड बॉल पहली वाइड पहला एक्स्ट्रा रन आता हुआ। चलो पढ़ ले पढ़ रहा वो मैच था बहुत अच्छी लाइन और लेंथ डालता है बोले मौका नहीं दे रहा सिम्मी जैसे बड़े बैट्समैन को लगातार यहाँ पर बीट होते हुए बल्ला जरूर चला रहे हैं मगर गेंद उनके बैट से काफी दूर नहीं है। मेरा मंसूर भाई से बात कर रहे बहुत अच्छी है सलो सिम्मी को बल्लेबाज को दिख रहा था शायद बोल दी जाएगी पर वहां पर सरोवर गेंद डाली फुल टॉस भेज दिया ऐसे मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का पार्किंग से भी बाहर जाकर गिरता हुआ। स्कोर एक बॉल के बाद बताएंगे भाई, एक बॉल रह रही है अभी एक रह रही थोड़ा फोन आ गया था हमारे अंपायर का बीच में वरना उनकी याददाश्त बहुत मजबूत है, वो फोन घर से था उनके इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ अंपायर खींचने में कोई दिक्कत नहीं हो जाता करो भाई जब घर का फोन आ जा फिर तो भूल जुत्ते लाइन खींच खींच हो चले हो रही रामपुर का मैच बेकार है इसमें ना टोला है ना सोनी है
बहुत बड़ा विकेट हो सकता था ये यहाँ पर मंगलोर के लिए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये मैच कैच ये आने वाले ओवरों में क्लियर हुई है, ऐसे धुलाई में करा देंगे। जो तो चौथे राउंड का मैच है क्लियर का, राउंड के हिसाब से तीसरा राउंड चल रहा है, चौथा राउंड कल से स्टार्ट होगा, कल या परसों हो जाएगा उनका क्लियर का मैच। ये कैच नहीं दोस्त, मैच हो जाता तुम्हारा अगर कैच ले लेते, ये तो वक्त बताएगा। अरबाज कौन सी टीम में भाई? अरबाज तो उसमें मोहितपुर में फाइनल 5 तारीख को भाई। इस मैच के बाद छठा ओवर चल रहा है, ये 4 ओवर हो रहे हैं, इस ओवर 4 ओवर के बाद मीतपुर रामपुर का मैच। प्लेयर होने से बाल बाल बचे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गया यहाँ पर अनुज, और डायरेक्ट हिट लगी यार विकेट कीपर को भी, यार शाबाशी देनी होगी उन्हें भाई, डायरेक्ट हिट मार दिया उन्होंने। वहां पर थोड़ा लेट हो गए थे भागने में अनुज, सिमी को नहीं देखा उन्होंने, बोर को छोड़ते रह गए कुत्ते गेंदों के लिए, जिसके चलते एक और बड़े विकेट का पतन होता हुआ अनुज की पारी की समाप्ति। अब नेक्स्ट बल्लेबाज आते ही अपना नाम बता दे, आजम है तो हाथ उठाए, ओके आजम मेरे नाम की लाज रख लेना आज आजम। हां भाई 128 टीम जी सेम नाम है, अब नाम का ये आदमी देखना है आज कितनी देर विकेट पर रुकता है। तो खत्म भाई, इसके बाद एक और बड़ा मैच, सबसे कमजोर क्यों बता रहे हैं भाई सर? आपको यहाँ दर्शकों को चाहिए कि अपनी शाम की टिफिन ना बांध कर बस यही आ जाए, आप काम पे से तुरंत आए, घरवाली को फोन कर दे, टिफिन तैयार रहना चाहिए और तुरंत आप ग्राउंड पर आ जाए, क्योंकि अभी ये 4 दिन का एक बड़ा मेला है, मेला मेला लगेगा। वाइड बॉल और अंपायर का इशारा वाइड के, मोहितपुर का अगला मैच है भाई, चलिए तैयार। ये और लग गया सरसा आ गया, सिम्मी का विकेट गया और लगता है मैच में सरसावा ये मैच हारता हुआ। किसको लेनी होगी अब यहाँ से 18 रन कर दिया और लगभग चाहिए। एक और झटका सिम्मी के रूप में, और आज जो टीम जीतेगी लगता है वो फाइनल से पहले रुकने वाली नहीं है, बहुत ही मजबूत टीम है। वैसे तो क्रिकेट है, कोई किसी को हरा सकता है, किसी से भी हार सकता है। कमेंट्री बॉक्स में आ जाए भाई तुरंत, इसके बाद तुरंत फिर मेले की तैयारी है, मेला लगेगा माधोपुर में एचसीएल के नाम से। अब तो मैच हाथ में आ गया तुम्हारे, साल इस मेले का आयोजन होगा, हाथ में सुनहरे वाले में रामपुर था 7 मैच के बाद जीतते। अभी भाई 2 राउंड और होंगे, चौथा और पांचवा, उसके बाद होगा सेमीफाइनल शायद। चौथा राउंड में 16 टीम है तो छोटा हो जाएगा, बहुत 2 दिन में पूरा 12 में होगा शायद सेमीफाइनल, पूरा हो जाएगा। हाँ सरतावे को, वो 2 खिलाड़ी जो इनके नहीं आए
काबीर को चुप रहे होंगे अब क्योंकि रन रुक जाते अगर कुछ होता ये रन 100 के पार नहीं जा पाते और कोना खल रहा होगा वो दो ओवर टोने के और बल्लेबाजी टोने की खेल आज मनाओगे काफी बेहतरीन ये बॉलिंग मंगलौर बहुत ही बड़ा ये कस्बा चार मैच थे भाई आज खेल लिया इस बॉल को वहां पर पीछे फुल्ला जी मौजूद है काफी बेहतरीन फील्डिंग भाई साहब के द्वारा अगला पे मैच रामपुर में ही होगा भाई तैयारी है यहाँ पर यहाँ पर तो लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे लगभग 18 रन प्रति ओवर यहाँ से चाहिए खेल दिया इस बॉल को थोड़ी सी मिस फील्ड पर जिसके चलते एक ही रन लेंगे आजम छप्पन छह में छप्पन छह ओवर में 56 रन सरसावे के दो 25 से काफी खल रहा है यहाँ पर मंगलौर मजबूत स्थिति में खल रहा है किसको खल रहा है हेलो नदीम को मन्नान को इधर घुमा ले नदीम भाई को बोलर नेम बता देना भाई नदीम बता दे शाबाश बस ले लो देखना है यहाँ से ये गेम चेंजिंग ओवर होता है या नहीं चल बेटे चलो खेल दिया इस बॉल को वहां पर फील्डर मौजूद है पर मुल्ला जी बहुत बढ़िया मुल्ला जी को देखकर मुझे झेड़े का एक मुल्ला जी लाला है लाला वो भी तस्वीर की तरह तोड़वा खिलाड़ी है तस्वीर हमारी अफवाह सुन रहा होगा और उठाकर मारा है देखना है और आउट आजम का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर और मैच अब पूरी तरीके से मंगलौर की ओर जाता हुआ और लाइट भाग गई यहाँ पर कोई बात नहीं हमारे पास जनरेटर की सुविधा अवेलेबल है जनरेटर चला दिया जाएगा मगर यह मैच आप पूरी तरीके से मंगलौर के हाथ में आ चुका बहुत ही अच्छा है क्रिकेट और मैच यहां पर चलता हुआ एमसीएल के ग्राउंड पर Hello.
चलिए भाई लाइट आ चुकी है और ये मैच यहाँ पर दोबारा से फिर शुरू होने वाला है और बड़ा विकेट मिला है यहाँ पर मंगलोर को। आजम के रूप में सिमी आउट हो चुके, भाना आउट हो चुके, अब तो यहाँ पर एक करिश्मा ही बचा सकता है सरसावे को अगर इस टूर्नामेंट में उनको बने रहना है। सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ, कमेंट चलिए भाई, थैंक यू। और यहाँ पर अगली गेंद, यहाँ पर कोई गेंद चेंज करना होगा सरसावे को। और गेंद खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, ड्रॉप हुआ यहाँ पर और यहाँ मुश्किल से दो चार होता हुआ नजर आ रहा है सरसावा। अंतिम ओवर तक जाना है और अंतिम ओवर में वही 10-15 रन तक ले जाना है, तो यहाँ पर चौके और छक्के लगाने होंगे, पर इतना आसान नहीं हो रहा है चौके और छक्के लगाना। एमपी के छक्के के बाद दो ओवर हो चुके, अब तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इंशाल्लाह लगता है मंगलोर जीत जाएगी। ये तो आने वाले जो बचे चार ओवर है उनमें क्लियर हो जाएगा दोस्त। बड़े बेटे बढ़िया बढ़िया, सेम टप पर खेला बढ़िया। और हल्का सा है जोर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, स्लिप के बीच, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच में से गया चार रन। यहाँ से ज्वाइन होने मुल्ला जी ने मेरा नंबर, कह रहे कि मेरी बिरयानी का ऐड कर दो, सरसावे वाले खा के जाए, मंगलोर वाले साथी बिना खाए मुल्ला जी की बिरयानी का लुत्फ ले ले। और माधोपुर वाले, और यहाँ पर जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट है वो जो सिमी का विकेट है, वो कैच पकड़ा था यहाँ पर मंगलोर के जो फील्डर है जुनैद आलम, और वो कैच नहीं मैं तो कहूंगा पूरा मैच ही था। और क्लीन बॉल, क्लीन बॉल, अब यहाँ पर संभावनाएं धूमिल होती हुई सरसावे की, और घर वापस आज जाना होगा निराशाजनक रूप से सरसावे को। गिल्ली भी बहुत दूर गई, ये विकेट कीपर को भी चका दिया और मैच अब पूरी तरीके से मंगलोर के हाथ में आ चुका। गिल्ली ऐसी चमक रही थी, कैच की स्लिप के फील्डर ने, अब तो कोई करिश्मा ही बचा सकता है यहाँ पर सरसावे को। बहुत महंगे स्टम है, इसके बाद एक और बड़ा मैच देखने को मिलेगा। मोहितपुर रामपुर लोग टीम में डाल दिया, अरे मुझे दे दिए, मुझे पकड़ा दिया, अभी बढ़िया मैच होने वाला है, वो सारे आएंगे। ला फील्डिंग तो कर ले, सर्दी में आना था तुम सब, क्या कर ले बोली बाबू, यार हमें भी 5 तारीख को फाइनल करवाना है, सर मान लिया हो जाएगी परसों, कल भी दोबारा मैच हो सकता, कल तो है नहीं परसों तुम्हारा मैच है, फिर कल छोड़, हाँ रात के फाइनल तो रात को, और इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब रात का ही तो है, हाँ हाँ रात को होगा, तो अब तो कंट्रोल, अब हमारे कंट्रोल में आ लगभग लगभग सारे मैच रात को होगा। बॉलर अगर त्यागी है तो हाथ उठाए, दादा गुरदीर, हाँ नहीं रात को ही होगा सब मैच, बड़े मैच सब रात को हो चुका है। 67 मिनट से पीछे ले लिया, बिल्कुल 134 फाइनल रात को ही होगा, 8 बजे होगा फाइनल शुरू, 8 बजे आधे भी रन नहीं बने। फील्डर सामने मौजूद, खिलाड़ी को पार नहीं कर पाएगी, काफी बेहतरीन मजबूत स्थिति में मंगलौर। तालिब कप्तान ने भाई कैप्टन नहीं लगा, ऐसा हो गया 2 साल सर्कल के अंदर ये कर रहा था,
और ये मौका हो सकता है। दरवाजा भी मौजूद है, अब तो गोल घेरा भी पार करना कर्तव्य के लिए मुश्किल बन रहा है। सरसावे की टीम की जो बड़ी उम्मीद थी वो भाना और सिम्मी और दोनों ही वो आउट हो चुके हैं, तो अब लगता नहीं कि सरसावा यहां से मैच जीत जाएगा। और मौका है और ड्रॉप कर दिया पर मैच और रन आउट का चांस, मगर सुरक्षित रूप से सरदार जी क्लियर। सरदार की बाल बाल बॉल क्लीन बॉल, अब तो पुछल्ले बल्लेबाज मचे यहाँ पर सरसावे के और आउट होते हैं यहाँ पर एक के बाद एक विकेट गिरते हुए और फॉर्मेलिटी मात्र अब इस मैच में बची है। अब यहाँ से मंगलोर ने मैच लगभग मैं तो कहूँगा जीत ही लिया। चलिए अब मात्र औपचारिकता लग रही है यहाँ से बस सरसावे के लिए और काफी निराश की आज सरसावे ने, दर्शकों को फेवरेट माना जा रहा था सरसावा, इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी अभी तक सरसावा यही रहेगी। आज वो अपने साथ टोने को नहीं लेकर आए, गुड्डू को नहीं लेकर आए, उनका इंतजार करना था, लेकर आना था एमी लीग में। और बॉल एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, दो लगातार विकेट गिर चुके और अब तो तू चल में आया पूरी तरीके से चारों खाने जीत सरसावा। काफी निराश होगा अपने आप से जाते हुए रास्ते में, ये पेट्रोल फूकता जाएगा अपने आप से, काफी निराश होगा सरसावा। उम्मीदें थी दर्शक और हैट्रिक गोल होगी जो नेक्स्ट गोल है, आस लगाकर बैठे थे सरसावा लड़ेगा, पर सरसावा तो जीतने की बात बहुत दूर लड़ता भी नजर नहीं आया। और तालीम यहाँ पर ढूंढते हुए अपने बच्चों को देख लियो, इनकी बात होनी गई इनके पीछे पीछे फिर रही और हैट्रिक बचाई यहाँ पर मौजूद है। ओए अगर डायरेक्ट हिट होती तो एक और झटका हो सकता था यहाँ पर, खुश नजर आते हुए हो स्टाइल बदल जाता है जब टीम मजबूत स्थिति में होती है। पी 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 सरकार की मोहम्मद उस्मान मंगलोर तो भाई अब जिंदाबाद हो ही गया, सरसावे को हरा दिया उन्होंने। और अगला मैच यहाँ पर मोहितपुर और रामपुर का सरकार जी अभी नॉन स्ट्राइक पर है। कितने चार है? हाँ स्कोर क्या हुआ जी? हाँ यार स्कोर हो चुका है 66 रन, 8 में 66 मात्र, 8 ओवर में 66 रन। अब आए बॉलिंग का भार संभालने शाहबाज, 12 पर बहुत चाहिए और ये भी आउट हो गए। तैयारी में है सरसावे वाले और सरसावे लगता है अब तो उम्मीद छोड़ दिए, खत्म फिनिश। अब तो यहाँ पर सरसावा मात्र औपचारिकता ही पूरी कर रहा है। आपसे काफी निराश बल्लेबाज, निराश नहीं अपने आप से क्योंकि वो जान के आउट हो रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है तो बस विकेटों पे लगवा रहे बॉल। जावेद भाई हमारे कैमरामैन शुक्रिया भाई, आज भाई कह रहे थे आज मेरे को काफी करीब से ये मैच देखना है, इनकी आय लग गई सरसावे वाले को। नहीं यार जावेद उठ गया तुमने, ओए और ये भी लगभग खतरे में है और छूट गए। सरसावा जो इस टूर्नामेंट की और इस क्राउड की एक फेवरेट टीम थी, आज बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन उनकी जानिब से होता हुआ और बड़ा निराश किया है आज उन्होंने अपने समर्थकों को, और एज ए समर्थक मैं भी निराश रहा आज इनके प्रदर्शन से। बड़ी उम्मीदें थी आज, मगर आज मंगलोर जीत का हकदार, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बॉलिंग की। और ये हिट विकेट हो गए, ये हिट विकेट हो गए सरदार जी, यहाँ पर बैट लगाया विकेटों पर, छक्के के लिए तो भेज दी और ये यहाँ पर ऑल आउट होती हुई लग तोते उड़ गए आज तो भाई, ऑल आउट होगी आगे खड़ा।
मंगलोर ये मुकाबला जीत चुका है एक तरफा। बहुत अच्छी बॉलिंग और बहुत अच्छी बैटिंग के साथ मंगलोर ने ये खिताब अपने नाम किया। ये गिल्ली कहाँ गई भाई, गिल्ली कहाँ गई, गिल्ली 67 रन ही बना पाई। गिल्ली दे, अब गिल्ली ढूंढवाइयो बच्चों, गिल्ली और ये मैच यहाँ पर मंगलोर ने एक तरफा जीत लिया और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मंगलोर को बहुत बहुत बधाई हो भाई मैच जीतने पर। ओके थैंक यू। मंगलोर का क्राउड यहाँ पर काफी खुश और यहाँ पर आज भाई मैच में मजा आ गया और यहाँ पर ये मैच पूरा होता हुआ ले 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 बहुत सटीक है। गाली मत दो यहाँ पर। ओके ओके काफी कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आज मंगलोर टीम के खिलाड़ी और उन्होंने इस टीम की जो इस टूर्नामेंट की जो फेवरेट टीम सरसावा उसे धूल चढ़ा दी। एक तरफा यहाँ पर मैच जीता है मंगलोर ने और शाहनवाज राहत की सांस ले रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सरसावा जीता तो दूसरी टीम कहाँ से ला कर देते उनको। आज तो लगता है उनका कांटा निकल गया मगर क्रिकेट यहाँ पर आज बहुत अच्छा खेला मंगलोर ने और वो जीत के हकदार थे और जीत यहाँ पर मिलती हुई मंगलोर को। ओके ओके भाई मुल्ला जी ने बहुत अच्छा कैच लिया था भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग की आपने भाई दोस्त। मंगलोर ओके 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 इंजॉय भाई। रामपुर बी के कप्तान और मोहनपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स का खाली ना जाओ, खाली और यहाँ पर नदीम भाई अपनी मोबाइल की तलाश में लगता है। अच्छा और यहाँ पर मंगलोर की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है वो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार खालिद लेते हुए हटाओ भाई दिखा दो लाओ लाओ दिखाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। खालिद मैन ऑफ द मैच तालीब। ओके सॉरी तालीब है तालीब मैन ऑफ द मैच। चलिए भाई आज आपने बहुत अच्छा खेला, वेल डन वेल प्लेड। और अब अगला मैच कोहिनूर और हमारे स्कोरर मोदी जी भाई आज सरसावा हारने का भी दुख हमें भाई बहुत ज्यादा। इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम खालिद भाई को जानने में तब से मैन ऑफ द मैच। अच्छा ले भाई।